नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़कर एक पुल को 5 मिनट में पार कर लेता है। पुल की लंबाई कितनी है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये पुल को पार कर लेता है 5 मिनट में। तो ये जो 15 किलोमीटर है, इसको 15 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, क्योंकि किलोमीटर से मीटर कम होता है, तो वही फार्मूला 5/18 से इसकी गुणा कर लेते हैं। इसके बाद ये बोल रहा है कि 5 मिनट में, तो 5 मिनट है लेकिन ये मीटर प्रति सेकंड है, तो इसे मिनट को 60 से गुणा कर लेंगे, है ना, क्योंकि 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होते हैं। तो अब देखो इसका क्या बनता है। ये 6 से 3 बार कट जाता है और ये 10 बार, इससे ये 5 बार कट जाएगा। ये हो गया 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 1250 मीटर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने घर से चलकर अमित अपने स्कूल में नियत समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो नियत समय से 10 मिनट देर से पहुंचता है। उसे उसके घर तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? तो इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था, चालों की गुना बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। ये इसकी ट्रिक है, फार्मूला कोई नहीं है इसका। तो अभी चालों की गुना 4 × 3 बटे चालों का अंतर 1 होगा और समय 10 मिनट पहले पहुंच जाता है और 10 मिनट बाद, तो टोटल हो गए 20 मिनट। ये मिनट है, इसको घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देते हैं। ये इससे 3 बार कट गया, 3 से 3 1 बार, तो ये कैलकुलेशन करने के बाद आया 4 किलोमीटर, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी वास्तविक चाल से 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगता है? तो इसके लिए बताया था कि जो इसके लिए क्या बताया था फार्मूला, कि जो जितनी देरी से पहुंचता है वो समय गुना जो ये जो भिन्न है इसका अंश, और उसके बाद है अंश और हर का अंतर, ये हो गया 1। तो आंसर आ जाएगा 60 मिनट। इस दूरी को तय करने में उसे 60 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही दूरी तय करने के लिए जा रहे दो व्यक्ति ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। ए और बी, इनकी चालों का जो अनुपात है वो 3:4 है। मंजिल तक पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं, तो ए द्वारा लिया गया समय कितना है? जब इनकी चालों का अनुपात 3:4 होगा तो इनमें लगा गया समय जो होगा ना 4:3 होगा, ये बात अंडरस्टूड है। अब ये पूछ रहा है कि ए को बी से 30 मिनट अधिक लगे, ये इनकी चाल दे रखी थी और ये समय, तो हमारे अनुसार इनका अनुपात में अंतर है 1, तो 1 बराबर होगा 30 मिनट। अब ये बोल रहा है कि ए को कितना समय लगा, तो इस 30 की 4 में गुणा कर लेंगे, तो ये होगा 60,
120 मिनट में हो गया 2 घंटा, क्योंकि एक 60 मिनट में 1 घंटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी स्टेशन पी से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर स्टेशन क्यू पर 45 मिनट में पहुंचती है। यदि उसकी चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो स्टेशन क्यू से पी तक पहुंचने में इसे कितना समय लगेगा। ये कोई स्टेशन पी है और ये पी से क्यू तक पहुंचने में इसे 60 मिनट लगती है। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इसे 45 मिनट लगती है। तो दूरी का फार्मूला है दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय है 45 मिनट, लेकिन घंटे में है तो इसे मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे, तो ये कैलकुलेशन होने के बाद आ जाएगा 45 किलोमीटर। अब ये बोल रहा है कि पी से क्यू तक पहुंचने में अगर ये 6 किलोमीटर इसकी चाल कम कर दे, तो 6 किलोमीटर कम कर देंगे तो 60 माइनस 6 = 54। अब ये पूछ रहा है इसे कितना समय अधिक लगेगा। तो अब ये दूरी तो वो की वही है 45, और इसको तो इसके लिए समय के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल होगी यहाँ पे 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय निकालने के लिए ये समय जो है घंटे में आएगा, तो इसे मिनट में निकालने के लिए इसे 60 से इसे गुणा कर देंगे। तो ये देखो ये 10 बार कट गया और ये 9 बार कट गया, 9 से 5 बार कटा पाँच बार, ये हो गया 50 मिनट। लेकिन ये पूछ रहा है कितना अधिक समय लगा, पहले लगता था 45 मिनट और अब लगा है 50 मिनट। तो 50 - 45 = 5 मिनट, ये इसका आंसर है। दोबारा देख लो, पी से क्यू तक की जो पी से क्यू तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 45 मिनट लगते हैं, तो दूरी बराबर है चाल गुना समय। चाल है 60, समय 45, लेकिन 45 ये मिनट दिया हुआ है, इसे घंटे में बदलने के लिए इसे 60 से भाग दे देते हैं, तो एक कटने के बाद आएगा 45 किलोमीटर। अब दूरी हमें पता लग गई 45 किलोमीटर है। अब ये इसने बोला है कि ये दूरी जो जो चाल है इसे अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे तो फिर कितनी हो जाएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पूछ रहा है कि कितना समय अधिक लगेगा, तो दूरी तो वही है 45, 54 से भाग दे दिया, लेकिन ये जो आएगा ये घंटे में आएगा, इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा कर देते हैं। कैलकुलेशन के बाद आया 50 मिनट, लेकिन वो पूछ रहा है कितना अधिक लगा, पहले 45 लगते थे 50, तो 5 मिनट अधिक लगे, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलता है, इसके यात्रा आरंभ करने के 4 घंटे बाद बी उसके पीछे 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा जाता है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर जाकर बी ए को पकड़ लेगा। तो इस क्वेश्चन के करने के 2 तरीके हैं, एक तो जो नॉर्मल तरीका है एक्स वाई से, और दूसरा है पहले एक्स वाला तरीका देख लेते हैं। तो मान लिया दूरी एक्स किलोमीटर है, एक्स किलोमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, जो एक्स बटे ये दूरी है बटे इसकी जो चाल है, एक्स बटे 4 माइनस एक्स बटे 10 बराबर 4 घंटे, क्योंकि ये क्या हुआ कि जिस चाल से ये चला और फिर ये 10 की किलोमीटर की चाल से चलेगा, तो इनका डिफरेंस जो आएगा वो 4 घंटे आएगा, क्योंकि वो 4 घंटे बाद चला था ना। तो इसे देख लेते हैं, इनका लैसे ले लेते हैं, लैसे आएगा 20, ये हो जाएगा 5x - 2x = 4,
तीन एक्स बराबर हो जाएगा 4 × 20, एक्स बराबर हो जाएगा 80/3, तो ये हो जाएगा 26.66 किलोमीटर। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से देखते हैं। माना ए जो है 4 किलोमीटर की स्पीड से यहाँ से चला था, और चार घंटे में ये चला है 16 किलोमीटर, क्योंकि ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलता है। तो अब जब ये बी चलेगा 10 की स्पीड से, तो इसका जो डिफरेंस रहेगा इन दोनों के बीच में वो 16 किलोमीटर का रहेगा। लेकिन अब ए भी चल रहा है और बी भी, लेकिन सापेक्ष दूरी का नियम क्या है, जब दोनों ए की दिशा में जा रहे हों तो सापेक्ष दूरी ज़्यादा में से कम घट जाती है, तो 10 − 4 = 6। तो अब ये 16 किलोमीटर जो हैं इसे पार करने में, 6 की स्पीड से पार करने में उसे कितना समय लगेगा, इसे देख लो आप। ये लगा इसको समय 2.66, इतना ये इतना समय लगा इसको टाइम। अब ये पूछ रहा है कितनी दूर पकड़ लेगा, तो ये दूरी बराबर, दूरी का फार्मूला है 4 × समय। चाल तो होगी 10 और समय होगा 2.66, तो ये आ गया इसका 26.6 किलोमीटर। ये इसका आंसर है। इसके दो तरीके हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी की चालों में 2:3 का अनुपात है, एक निश्चित स्थान से दूसरे निश्चित स्थान पर एक साथ चलकर पहुंचने में ए को बी से 10 मिनट अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी सामान्य चाल की दुगनी चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये ए है और ये बी है, तो ए को इसमें इनकी चालों का अनुपात देख लेते हैं। चालों का अनुपात दिया हुआ है 2:3। जब चालों का अनुपात ये दिया हुआ, तो समय का अनुपात इसका उल्टा लगेगा, 3:2। अब ये कह रहा है कि ए को बी से 10 मिनट अधिक लगते हैं, तो हमारे अनुसार ए को बी से 10 मिनट अधिक लगते हैं, हमारे अनुसार इनमें अनुपात का अंतर है 1। तो इसको लगेंगे, अगर 20 लगे हैं तो इसको लगेंगे, अनुपात का अंतर 1 है तो 1 = 10 के हैं, तो इसको 20 मिनट लगेंगे तो इसको 10 मिनट लगेंगे, इसको 30 मिनट लगेंगे ए को, और इसको लगेंगे 20 मिनट बी को। अब ये पूछ रहा है कि अगर सामान्य चाल से यात्रा करे तो उसे यह दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अभी अगर ये ए से दुगनी स्पीड से लगे तो दुगनी स्पीड हो जाएगी, तो दुगनी स्पीड कर देगा तो इसको टाइम आधा लगेगा, तो दुगनी स्पीड कर देगा तो इसको लगेंगे 15 मिनट। तो ये इसका आंसर है। दोबारा देख लो, ये ए है और ये बी, इनकी चालों का अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो जब चालों का अनुपात 2:3 है, तो समय का अनुपात हो जाएगा 3:2। अब ये पूछ रहा है, तो हमें अनुपात का अंतर है 1, तो इसमें समय का अंतर हो गया 10, इनके अकॉर्डिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसको लगेंगे 30 मिनट और बी को लगेंगे 20 मिनट। अब ये कह रहा है कि एक अगर दुगनी चाल से चले तो उसे कितना समय लगेगा। इस चाल से चल के तो उसे 30 मिनट लगते हैं, इससे दुगनी चाल से चलेगा तो 30/2 = 15 मिनट। यही इसमें पूछ रहा था, यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो व्यक्ति एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलें, तो कितनी देर में उनके बीच का फासला 1.75 किलोमीटर होगा। तो ये बोला कि एक पॉइंट है, इससे एक जा रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और दूसरा जा रहा है 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अब जब ये एक ही दिशा में जाएंगे तो इनकी जो सापेक्ष चाल है वो बढ़ जाएगी, सापेक्ष चाल हो जाएगी इनकी 5.5 − 4 = 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये बोल रहा है 1.75 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा, तो
1.75 बटे 1.5 और इसको मिनट में निकालने के लिए 60 से गुणा कर देंगे। अब ये दशमलव से दशमलव कट गया, ये 25 से 6 बार कट जाता है और ये 25 से 7 बार कटेगा, 6 से ये 10 बार कटेगा, तो टोटल 70 मिनट। अब 70 मिनट को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक घंटा 10 मिनट, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बस दिल्ली से अम्बाला 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस उसी रास्ते से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। यदि वह वापसी की यात्रा में 40 मिनट अधिक ले तो दिल्ली से अम्बाला तक की दूरी कितनी है? तो इसमें वो दूरी का वही फार्मूला लगेगा कि चालों की गुना, जो स्कूल वाला क्वेश्चन में बताया था, चालों की गुना बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। तो चालों की गुना कितनी हो गई, 75 गुना 60 बटे चालों का अंतर हो गया 15, क्योंकि इन दोनों का अंतर इतना है, और समय लगा 40 मिनट। मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। तो अब देखो 15 से ये 5 बार कट जाएगा और 60 से 60 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 200 किलोमीटर, ये इसका आंसर है। दोबारा देख लो, एक बस दिल्ली से अम्बाला 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है तथा वापस उसी रास्ते से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आती है। यदि वह वापसी की यात्रा में 40 मिनट अधिक ले तो दिल्ली से अम्बाला तक की दूरी कितनी है? दूरी का फार्मूला है चालों की गुना बटे चालों का अंतर गुना समय का अंतर। तो चाल थी 75 गुना 60, चालों का अंतर होगा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 मिनट। 40 मिनट को घंटे में बदलने के लिए 60 से भाग दे देते हैं, तो कैलकुलेशन करने के बाद आएगा 200 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से दुगना तेज दौड़ता है, कोई ए है एक बी है और बी सी से दुगनी बी सी से तिगुना तेज दौड़ता है, एक ये सी है। तो इसमें अगर सी एक दौड़ता है तो ये से तीन गुना तेज दौड़ा है, तीन दौड़ता है, तो बी से ए जो है दुगना दौड़ता है तो ये 6 दौड़ता है। अभी ये कह रहा एक दूरी सी को 42 मिनट में तय करे, तो ए को इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा? ये तो होगी इनकी चाल, चाल तो समय के लिए मैंने बताया था, समय हो जाएगा ये एक दौड़ेगा तो ये दो दौड़ेगा, इनका या तो इनका सीधा इनका लैसे ले लेते हैं, लैसे आएगा इनका 6, तो ये 6 से ये होगा एक, ये हो जाएगा दो और ये हो जाएगा 6, तो चार समय का अनुपात हो जाएगा इनका एक दो और 6। तो अभी ये पूछ रहा है यदि सी को 42 मिनट लगे तो ए को कितना लगेगा? सी को लग रहे हैं 42 मिनट, मतलब ये इसका समय 6 है तो 42 मिनट, तो ए को कितना लगेगा? 42 बटे 6 तो बराबर 7 मिनट, ये इसका आंसर है। अभी दोबारा देख लो, ए और बी, ए बी से दुगुना तेज दौड़ता है, बी सी से तिगुना तेज दौड़ता है, तो हमने सी को मान लिया ए, तो बी इससे तिगुना तेज, तो ये 3 दौड़ता है, तो ए इससे दुगुना दौड़ता है, तो ए हो गया 6। अभी इनके समय का अनुपात देख लेते हैं, समय का अनुपात के लिए इसमें या तो इनका सिद्धम लैसे ले लेते हैं, लैसे आएगा 6, तो 6 से इसको करते हैं 1, ये आएगा 6 से 3 को भाग देंगे तो आएगा 2 और 6 से इसको 1 को भाग देंगे तो आएगा 6। तो इसने बोला है कि सी को जो है 42 मिनट लगते हैं, तो हमारे अनुसार बी को लगते हैं, सी को लगते हैं 6। अब ये बोल रहा है कि ए को कितना समय लगेगा, ए को लगेगा, ए को एक लगता है, तो ए को इसमें 42 बटे 6 बराबर 7 मिनट, ये इसका आंसर है।